कार्बोहाइड्रेट के बारे में इससे पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता ना, इसका मुख्य रूप से काम होता है एनर्जी देना। अरे कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है? एनर्जी देना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो काची हमने को मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बताया था कि कार्बोहाइड्रेट काची काची में पाया जाता है। देखो जैसे चावल, रोटी, ब्रेड, इस जो खाते ना है आलू, इस में सब काम में काची रहता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हम लोग के एनर्जी मिलता है, ठीक ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी। याद रहेगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी हमने के ऊर्जा मिलता है? तो 4.2 किलो कैलोरी हम लोग के एनर्जी मिलता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना होगा पता है? जैसे चना देख लो है, बूट जकरा कहते हैं चना, अरे वो छोटका चना माया रहता ना है, तो 1 से 1.5 ग्राम का वो चना होता है। तो ये वो चना के बराबर अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बहुत कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? 4.2 किलो कैलोरी। समझ में आ रहा? चना देख लेना है कैसे तो रहता है काजी, ऐसे यहाँ पर चनवा का ठोड़ रहता है काजी, देख ले चना का ठोड़, चना का ठोड़ रहता है। इसी को रात के पानी में डालते ना तो एक में पानी सेब जाता है और चना फूल जाता है, थोड़ा सा साइज में कहा जाता है बड़ा हो जाता है। कोनो के देखना यहाँ जो छिद्र इसका रहेगा ना, ठोर जो रहेगा सब मुंदाल रहेगा, तो मुंदाल रहेगा तो फूलबे नहीं करेगा, तो उसको खाएगा तो दांत पर कड़ कड़ कर लगता है, कर लगता ना है, तो ऐसा होता है। तो अब देखो जिसके अंत में ओज लगल रहे, काची लगल रहे ओज, जिसके अंत में ओज लगल रहे वो भी कोची हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, स्टार्च में खैर इसमें ओज नहीं लगल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब में लगले रहे, अधिकतर में ओज लगल रहेगा तो समझ लेना कि कार्बोहाइड्रेट है। अरे इतना समझ में आ रहा? कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम है सैकेराइड। कोची? सैकेराइड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में भी वही बोलेंगे सैकेराइड। याद रहेगा कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शर्करा। बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो मीठा लगता है। दुनिया का कोई भी चीज जो मीठा लगे समझो कि कार्बोहाइड्रेट है। मीठा बहुत प्रकार का होता है, कम मीठा, ज्यादा मीठा, समझ में आ रहा है? तो वही होता है, जो भी मीठा लगेगा समझ लो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड या शर्करा भी कह सकते हैं, इस समझो कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से रूप है, ठीक ना। अब थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो एकदम है फेमस कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। अरे ग्लूकोज एकदम फेमस कार्बोहाइड्रेट है। ये जो ग्लूकोज होता है सर नॉर्मल मीठा होता है। क्या होता है? नॉर्मल मीठा। मैंने बताया था ना कि मैंने बहुत ज़्यादा भी मीठा हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो ग्लूकोज जो होता है सर नॉर्मल मीठा होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें पूछता ना है कि इन सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है? तो फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज या कहीं कहीं लिख देगा फ्रक्टोज, बात वही है, ठीक ना। ये फल में पाया जाता है। काची में पाया जाता है? फल में। देखो यहाँ लिखते हैं फल, और याद करने का आसान तरीका देखो, फ से फल और फ से फ्रक्टोज। तो फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? फ्रक्टोज। फल से ही शहद का निर्माण होता है। काची का निर्माण होता है? शहद। अरे शहद है कौन काची बोलते हैं? मधु या मध, मधु या मध इसी को ना बोलते हैं। जो मधुमक्खी रहता है वो पेड़ पौधा अपना मध का निर्माण करता है, तो हम कह सकते हैं कि शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रहता है, शहद जो होता है से चीनी से भी ज़्यादा मीठा रहता है। कोई कोई कहता है कि सुक्रोज सबसे ज़्यादा मीठा है, सुक्रोज सबसे ज़्यादा मीठा नहीं है, सुक्रोज मैंने कि चीनी, तो चीनी से भी सबसे ज़्यादा मीठा होता है शहद, यानी कि फर्क तो जितना समझ में गया। अब देखो सुक्रोज का चिम पाया जाएगा जैसे गन्ना में, गन्ना का नाम सुना जिसको ईख कहते हैं, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, अरे चुकंदर, अब देखो और गन्ना से ही काची का निर्माण हो जाता है चीनी का, पता है ना। तो इस समय सब में काची पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। पता है ना चीनी को बोलते हैं टेबल शर्करा, टेबल शर्करा के नाम से किसे जानते हैं? चीनी को। अगर टेबल साल्ट कहेगा तो नमक, लेकिन टेबल शर्करा कहेगा तो चीनी। और एक इच्छु शर्करा भी कहते हैं सुक्रोज को, इच्छु शर्करा इंग्लिश में बोलते हैं केन शुगर, बुक में कहीं लिखा रहेगा। तो इच्छु शर्करा केन शुगर मैंने कोची सुक्रोज, यानी कि गन्ना, चुकंदर, चीनी। चुकंदर एक जैसा होता है कोची, सलजम। दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जैसा रहता है ना, रहता है जी। अरे ऐसे कैसे तो रहता है, ऐसे फेंकले रहेगा, ऐसे फेंकले रहता है, कैसे ऐसे रहता ना है, ठीक ना। तो एक होता है चुकंदर, एक होता है कोची सलजम। अंतर इतने में है कि एक गोर रहेगा, एक करिया रहेगा, क्या समझा। बाकी सब ऐसी है, जूस वूस निकलेगा तो उसका लाल टाइप का ऐसा कुछ निकलता है, ठीक ना। अब देखो स्टार्च या मंड, तो स्टार्च मंड पता क्या है? एक तरह से चोकर है, काची है चोकर। अरे चोकर क्या है? अनाज के छिलका को चोकर कहते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं जो रहता है गेहूं का जो उपरला छिलका रहता है वही ना चोकर बन जाता है, आटा जब पिसाता है तो, ठीक ना।
तो अनाज के छिलका को कुछ कहते हैं चोकर कहते हैं। तो चोकर एक तरह से स्टार्च या मंड है। कैप्सूल का जो आवरण रहता ना है, कैप्सूल कैप्सूल नहीं देखा है, अरे मान कि जीन दवा का टेस्ट बहुत खराब रहता ना है, जिसे बहुत खराब खियाएंगे अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक ना, बहुत खराब लगेगा, तो उसको कैप्सूल में भर देते हैं अंदर। अब अंदर जाते हैं तो डिजॉल्व हो जाता है, मैंने अंदर जाके घुल जाता है, नहीं घुलेगा तो फिर फायदा किसे करेगा, घुलने वाला चीज रहता है, ठीक ना। तो चोकर हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल का आवरण बाहरी वाला खोलवा, अरे आवरण में कोई बाहरी खोल यही ना। तो पूछा गया कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का। चोकर में भी कौन सी पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो आगे सेलुलोज, सेलुलोज जो होता है ना से पेड़ पौधा में पाया जाता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। यानी कहा जाता है कि पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति होता ना है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। कोशिका भित्ति माने एक तरह से उसका छाल, अरे छाल पेड़ देख लेना है पेड़, तो छाल को अगर जैसे कोई पेड़ है, ऐसे मान लो कि कोई पेड़ है, ठीक ना, तो इसको छलावा इसे नोचते हैं तो पूरा रेशेदार मन के रेशा के रूप में नीचे, ऐसा थोड़ा कि टूट जाता है वहीं पर, इसे रेशा के रूप में पूरा एकदम नीचे तक आ जाता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि सेलुलोज जो होता ना इसे रेशेदार होता है। सेलुलोज कैसा होता है, रेशेदार होता है, रेशा के रूप में रहता है। पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का। कोशिका भित्ति एक तरह से छाल, छाल को ही कुछ कहते हैं, कोशिका भित्ति छाल, यानी कि पेड़ पौधा का जो छाल रहेगा ना ओकरा में काजी पाया जाता है, सेलुलोज। लड़कन लोग का जो छोटकन लेकिन क्या कहता है, पान बनाए खाता है, देख ले गाँव में पान बनाए खाता है, शीशम उसम वाला के छलवाई से तिरेगा काची काची डाल के, खगड़ा वगड़ा कोची कोची डाल के, तो समझो कि वो पान खा रहा है, तो खा रहा है मैंने कोची वो एक तरह से, और मैंने कि सेलुलोज खा रहा है एक तरह से, ठीक ना, काची खा रहा है सेलुलोज। अब देखो पेड़ पौधा से ही काची बनता है कागज, पता है ना, पेड़ पौधा से ही काची बनता है कागज, ठीक ना। जो महंगा कागज रहेगा उतनी सफेद रहेगा, संस्था वाला रहेगा कमल ब्रांड वाला, तो समझ रहा ना, खराब उसका पेज रहता है, ठीक। तो देखो जी कागज से ही बनता है नोट, पता है ना, अरे गांधी जी वाला नोटवा कागज ना रहता है, समझ रहा है। ये जो सेलुलोज होता है हमने नहीं पचा सकते हैं, सेलुलोज को जानवर पचाता है, क्या पचाता है, जानवर। कभी देखना जानवर के पैसा उसवा देगा ना तो खा जाता है पैसे का, समझा ना, खा जाता है, या कपड़ा उपड़ा भी खा जाता है, ठीक ना। यानी कि वस्त्र, रेशम से वस्त्र बनता ना है, तो वस्त्र में भी मतलब कि काची पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एगो आ गया कुछ काइटिन, देखो काइटिन जो होता ना है जैसे इस समय कीड़ा मकोड़ा में पाया जाता है, जैसे मछली का जो चोइटा होता ना है, मछली का जो चोइटा, मछली देख लेना है, तो मछली का जो ऊपरला चोइटा रहता ना है वो काची का बना हुआ रहता है, काइटिन का ही बना होता है। काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक ना। वो जो काइटिन होता ना है वो पानी को छेद के अंदर नहीं जा जाता, इसीलिए मछली बाहरी से भींजेगा लेकिन उसके अंदर पानी नहीं रहता है। या कीड़ा मकोड़ा या कीट, कीटों का कवर, कीटों का कवर, यानी जैसे तेलचट्टा ही सबन देख लेना है, तो ऊपरला ओकर खोलवा रहता ना है, पंखवा ही सबन सब ना रहता, थोड़ा हार्ड हार्ड, तो सबन काची के बना रहता है, काइटिन का ही बना रहता है। काइटिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इतना में किसी को दिक्कत, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही सबन सकल है, ठीक ना, रूप है, ऐसा ऐसा रूप में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का स्पेशल डिफिनेशन आगे भी पढ़ेंगे, कहेगा ना कि इन सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे नॉर्मल मीठा कौन होता है, ग्लूकोज। सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट कौन है, कहेगा कि तुरंत अगर एनर्जी हमरा चाहिए तो इस उनमें से काची लेंगे, तो ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलता है, ठीक ना। जैसे अगर मान लो कि कोई मरीज हॉस्पिटल में है, सीरियस है, कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में है सीरियस है, तो अगर मान लो कि अगर डॉक्टर उसको शहद देवे या फल देवे, तो देखो एकरा में से कुछो खाएंगे अंत में टूट के ग्लूकोजे बनता है, कुछो खाएंगे ना तो अंत में टूट के काची बनता है ग्लूकोजे। तब मान लो कोई मरीज सीरियस है उसको शहद और फल देंगे तो पहले टूटेगा पचेगा फिर ग्लूकोज बनेगा, तब एनर्जी मिलेगा, उतना में टपक टपक ये जाएगा काजी, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर लोग दिमाग लगाता है, सीधे ग्लूकोज चखा देता है एकदम, समझ में रहा, एकदम डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा। ऐसे भी मान लो कि दिन भर कभी थका हुआ हुआ है ना, अरे दिन भर थका है, खाना वाना नहीं खाया है, तो ग्लूकोज घोर के एक गिलास पी लो, एनर्जी आ जाता है, समझ में रहा। तत्काल एनर्जी के लिए काची चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। इन सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, इसको नहीं बोल देना है, सबसे ज़्यादा यही होता है, ठीक ना। फरक्टोज फल में पाया जाता है, काची में फल से ही प्राप्त होता है शहद, तो शहद में पाया जाता है। गन्ना चुकंदर, गन्ना से ही चीनी, इस में काची पाया जाता है। सुक्रोज पाया जाता है। स्टार्च या मंड चोकर, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। पेड़ पौधा से ही कागज नोट वस्त्र सबन में सेलुलोज बनता है, ठीक ना।
काइटिन, मछली का जो चोंटा होता है, कीट का जो कवर होता है, इसमें किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अब देखो, अब इसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है। क्या भाग में? तीन भाग में। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड, ठीक ना। और इसके आगे भी बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर शॉर्ट में खाली समझता। देखो, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता ना है, ये आसानी से पच जाता है। हम लोग के शरीर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आसानी से पच सकता है और केवल एक अणु से मिलकर बना होता है। तो ये दोनों को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बोलते हैं मोनोसेक्राइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। ये जो सुक्रोज नजर आ रहा है ना, ये है डाइसेक्राइड। दो दो अणु से मिलकर बना होता है, इसके अपेक्षा थोड़ा ही देरी से पचता है, ठीक ना। और ये जो होता है सब पचता उचता हम लोग के शरीर में नहीं है, यानी ये समझ हो जाता है पॉलीसेक्राइड, ठीक ना। ये क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का हम लोग का शरीर पचाता नहीं है। पॉलीसेक्राइड कौन पचाता है? जानवर पचाता है। जानवर देखा, पेड़ पौधा सब खाते रहता है। बकरी देख ले, बकरी लकड़ी उकड़ी सब खा जाती है, कह दिया ना। हाथी देखना, हाथी पेड़ पौधा खा खा का पूरा एकदम शरीर बनेल रहता है। सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है सेलुलोज में, सबसे ज्यादा एनर्जी सेलुलोज में मिलेगा, लेकिन हम नहीं पचा ही नहीं सकते हैं तो खा के क्या करेंगे, है ना। हाथी होते देखना, सेलुलोज खा खा के पूरा एकदम विशाल शरीर बनेल रहता है। देखो, हम नहीं चोकर तनी मानी पचा सकते हैं, क्या आटा उटा में चोकर तनी मानी रह जाता है, ठीक ना, पूरा थोड़ी निकलता है। कैप्सूल का आवरण भी मैंने पच जाता है, तो चोकर थोड़ा बहुत मैंने कम मात्रा में, थोड़ी के 2 किलो चोकर खाएंगे तो पचेगा? नहीं पचेगा। थोड़ा बहुत पचा सकते हैं, लेकिन इस समय तो पचा ही नहीं सकते हैं। इसलिए मम्मी लोग देखना, मछली उछली बनाएंगे तो चोंटवा निकाल कर फेंक देती है, का पता है कि पचेगा नहीं, अगर पच जाता तो बना देते साथ है। समझ में रहा? तो इतना में किसी को दिक्कत बता दें कि जो आसानी से पच जाए, यानी कि कोई चीज़ मोनो सेक्राइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड होता है, ठीक ना। ये केवल एक अणु से मिलकर बना होता है। जो पचने में थोड़ा टाइम लगे, यानी कि जो दो दो अणु से, दो अणु से मिलकर बना होता है, यानी डाइसेक्राइड, सुक्रोज जो होता है ना सर डाइसेक्राइड। और जो पचता होता नहीं, यानी कहने का मतलब कि बहुत सारा अणु से मिलकर बना होता है, एन अणु से, यानी कि बहुत सारा अणु से मिलकर बना होता है, कुछ कहते हैं पॉलीसेक्राइड। बताया था ना साइंस में, वह एक एक रहेगा तो उसको मोनो बोलेंगे, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको पॉली बोल देते हैं, ठीक ना। अब इस समय बताया अभी कि हम लोग पचा नहीं सकते, इस समय क्या पचाता है? जानवर पचाता है, जैसे सेलुलोज जानवर पचाता है, ठीक ना। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा काइटिन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक ना। ये देखो, काइटिन लिखा हुआ था ना, हैं, तो कोई पूछे कि काइटिन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा आता है? पॉलीसेक्राइड, यानी जटिल होता है, बहुत सारा अणु से मिलकर बना होता है, ढेर मानी, यानी कि जटिल रहता है, ठीक ना। तो काइटिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में कहा गया कैसा है, कौची है? पॉलीसेक्राइड, यानी जटिल है, बहुत सारा अणु से मिलकर बना होता है। की टूट का कवर जो होता है ना, बाहरी खोल ढांचा, किसका बना होता है? काइटिन का। लेकिन एक जैसा शब्द होता है कीरेटिन, कीरेटिन, और एक होता है कैरोटीन, कैरोटीन। इसको तनी ध्यान से समझो जी। देखो, एक शब्द है काइटिन लिखल, है ना, एक है कोची कीरेटीन और एक है कैरोटीन। तो क्लियर कर देते हैं, काइटिन एकदम फेमस कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड, कोई दिक्कत है ना। कीरेटीन जो होता है से प्रोटीन है, ये क्या है जी? प्रोटीन है। ये तो बता ही देंगे, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ठीक ना। कीरेटीन क्या है? प्रोटीन। बाल, कुछ बाल, नाखून, खुर, खुर बैल उल का देख ले ना, गाय भैंस के खुर, तब बाल जो काटला पर दर्द नहीं करे, जैसे बाल काटला पर दर्द नहीं करता है, नाखून भी काटला पर दर्द नहीं करता है, बैल या भैंस का जो खुर रहता है वो भी देखता टूट टूट जाता है, ठीक ना। हाँ, तो उस समय सब कीरेटीन का बना होता है, ठीक ना। तो पूछा जाए कि नाखून किस प्रोटीन का बना होता है, तो कीरेटीन, काइटीन बोलेंगे, कीरेटीन। और ये जो कैरोटीन है ना, ये विटामिन हो जाता है, क्या हो जाता है? विटामिन में आ जाता है। जैसे गाजर में कौन सा विटामिन? तो कैरोटीन। गाजर में कौन सा विटामिन? कैरोटीन। बाल, नाखून, खूर में कौन सा प्रोटीन? कीरेटीन। काइटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। तो अब देखो, तीनों में बहुत अंतर है, काइटीन कार्बोहाइड्रेट, कीरेटीन प्रोटीन, कैरोटीन विटामिन, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले जो पढ़े थे प्रारंभिक परिभाषा।